यही मकसद है कि आप अपने घरों में चले जाए, अपने घरों में चले जाए। मेरी इच्छा कि आप अपने घरों में चले जाए। सारे रामनगर लोगों से अपील की जाती है, बिना मतलब का कोई भी तैयार नहीं घूम, जल्दी को जल्दी घर पड़ो जान, बिना काम का कोई व्यक्ति बाकी गाड़ियां जहाँ से चली जाए। आज पूरा प्रशासन आपके सेवा के लिए, आपकी हिफाजत के लिए जा खड़ा है। मेरी आप सबसे अपील है, मेहरबानी करके इस पार्क को छोड़ दीजिए, जल्दी से जल्दी अपने घर की तरफ जाइए। ड्यूटी सामान लेना वो लेकर अपने घर की तरफ जाइए, अपनी घर की तरफ जाइए। तहसीलदार साहब, SHO साहब, आपके प्रशासन पूरा प्रशासन जा खड़ा है। ये जितने भी लोग पार्क में अनुशासन में बैठे हुए हैं, ये कृपा करके पार्क छोड़ दें। स्पेशल एसेंशियल एक्टिविटीज को पर रिस्ट्रिक्शन है, फालतू में लोग जो है ये पार्क में नहीं बैठे, सारे लोग यहाँ से चले जाएं। जैसा कि आपको पता है कोविड केसेस बढ़ रहे हैं, दिन ब दिन कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं, फालतू में अपने घर से बाहर नहीं जाएं, अपनी मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करें, मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग करें। पार्क में जितने भी लोग हैं ये 2 मिनट में पार्क जो है वो खाली कर दें। लागू की जा रही है नाइट कर्फ्यू जो है वो, नाइट रिस्ट्रिक्शंस लागू है 9 से 6 बजे तक। और अब एडमिनिस्ट्रेशन ने डिसाइड किया है कि जितनी भी नॉन एसेंशियल एक्टिविटीज़ हैं उन पे वीकेंड यानी कि शनिवार और एतवार को रिस्ट्रिक्ट किया जाए। शनिवार एतवार को नॉन एसेंशियल एक्टिविटीज़ पर रिस्ट्रिक्शंस हैं। तमाम लोग जो फालतू में यहाँ बाजार में आ रहे हैं, अपना काम करें और काम करके निकलते बने, यहाँ अननेसेसरली भीड़ ना इकट्ठा करें, अननेसेसरली बैठे नहीं। तमाम लोगों से अपील की जाती है ये पार्क में जितने भी लोग थे ये कृपा करके पार्क छोड़। जो भी बंदा कोविड रिस्ट्रिक्शन की वायलेशन करेगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अपनी अपनी सीटें जहाँ से खाली करें, चलिए चलिए अपने घरों को जाइए, जहाँ बैठने की कोशिश ना करें। ये आप सबको पता है कोरोना वायरस रामनगर टाउन में दस्तक दे चुका है, वार्ड नंबर 7 बंद हो चुका है। चलिए निर्देश तहसीलदार राम सिंह दफ्तर की तैयार है।